नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार, आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार का मौसम विभाग भी राजनीति की तरह हो गया है, सब कुछ जानकर भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सका। बिहार में तूफान से तबाही हुई, लोगों की जान गई। गूगल करने पर पता चला कि इसके विषय में मौसम विभाग पहले भी जानकारी दे सकता था। मौसम विभाग ने जानकारी दी, लेकिन लोगों को या सरकार को नहीं बल्कि वेबसाइट पर जानकारी दे दी गई। यानी वेबसाइट पर लिख दिया गया कि खतरा हो सकता है, सावधान रहिए। मैं आज बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं मौसम विभाग का, जो गांव में झोपड़ी में बैठे एक बुजुर्ग से उम्मीद करता है कि वो मौसम विभाग की वेबसाइट चेक करे और सावधान हो जाए। शायद ये गांव के लोगों को सूचना क्रांति से जोड़ने का नया तरीका होगा। बस एक अपील मौसम विभाग के अधिकारियों से करना चाहेंगे कि सर, ऐसी क्रांतिकारी सोच के साथ कुछ व्यवहारिक अगर आप कर पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मतलब कुछ ऐसा जिससे लोगों को आसानी से सूचना मिल सके। आखिर जिंदा लोग लाशों से बेहतर दिखते हैं। सर, आज आपका वेबसाइट भी चेक कर रहा था, अंग्रेजी में मौसम की जानकारी पढ़कर लगा कि फिर से अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़नी होगी। ये ठीक है सर कि सरकार लोगों को साक्षर बनाने में लगी है, पर गांव का हर व्यक्ति आपकी रिपोर्ट पढ़ने के लिए बिहार मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्च करेगा गूगल में और फिर आपकी रिपोर्ट पढ़ लेगा और उसके बाद सावधान हो जाएगा, बोरिया बिस्तर लेकर निकल लेगा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरी बात ये भी है सर कि स्वचालित मौसम स्टेशन और उपग्रह प्रतिबिंब और उत्पाद जैसे शीर्षक के साथ हिंदी में जो आप लोगों ने बातें लिखी हैं उनके शीर्षक देखने के बाद मैंने अपने घर पर कह दिया है कि मेरी 9th और 10th की किताबों को बोरे से निकाल लें ताकि आपकी जानकारी को फिर से समझ सकूं। आज समझ में आया कि भूगोल की पढ़ाई का जीवन से क्या संबंध है और कहिए जीवन बचाने से क्या संबंध है। पर मेरे जैसे अनेक लोग होंगे जिनको भूगोल में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसे लोगों की जान बचाकर या ऐसे लोगों की जान बिना भूगोल अटे कैसे बचे, अगर आप इसकी व्यवस्था कर पाएं तो बड़ी कृपा होगी। उधर सरकार मौसम विभाग के कंधे से कंधे मिलाकर चल पड़ी है, उसने भी आरोप मौसम विभाग पर लगा दिया। नीतीश जी को भी याद दिलाना चाहेंगे कि सर, ममता बनर्जी जो आपके मोर्चे का समर्थन करती हैं और आपसे उनकी मुलाकात भी हुई थी, उन्हीं ममता बनर्जी के राज्य में ऐसे ही तूफान से तबाही हुई थी। आप भले ही उनके साथ आगे कोई राजनीतिक समझौता कर ले सर, लेकिन उनकी तरह ही आप बन जाए जरूरी नहीं, आप उनसे अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं। और झारखंड के सीएम साहब से भी कहना चाहेंगे कि सर, आप भले ही शिबू सोरेन से मिलकर गुरु ज्ञान ले रहे हैं आजकल, पर एक पिता को आप ही के राज में जान देने की नौबत आ गई क्योंकि वो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रहा था। तो आपके ज्ञान से ज्यादा अगर जनता के ज्ञान की परवाह आप करेंगे तो आप बेहतर है। बाकी आप सभी लोग गुणी और सम्माननीय हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक आपदा और बिहार का बहुत पुराना नाता रहा। हर साल बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आता है। आंधी और तूफान से राज्य में भारी तबाही होती है। ठंड में भी देखिए कई लोग मर जाते हैं। यानी यहां सालों भर आसमानी आफत का खतरा बना रहता है। लेकिन अब तक देखा गया है कि बिहार में सरकार भगवान भरोसे रहती है, घटना हो जाने के बाद हरकत में आती है। तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका होता है, कई लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं और सरकार इसे नियति बताकर अपनी जिम्मेवारी को छुपाने की कोशिश करती है। कुछ यही हुआ कोसी और सीमांचल में मंगलवार को आए तूफान के बाद। एक रिपोर्ट देखिए। कहीं सामान बिखरे हुए थे तो कहीं उम्मीदें, कहीं घर गिरा तो कहीं दुखों का पहाड़, किसी ने सब कुछ खो दिया तो किसी ने खुद को। बिहार के कोसी और सीमांचल में आई तबाही दर्द की हर सीमा को लांघ गई। मंगलवार की रात अपने साथ एक ऐसा अंधेरा लेकर आई जिसने सैकड़ों घरों में अंधेरा कर दिया। पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और कटिहार में तेज आंधी के साथ बारिश तबाही वाला मंजर लेकर आई। अड़तीस लोग पल भर में मौत की भेंट चढ़ गए। वाल जो है ना वो बिना स्टेपनर का है, समझे ना, वही वाल पूरा आके गिर पड़ा एस्बेस्टस के ऊपर। सामने तो देख ही रहे थे, जो पूरा उसमें चार था जन, जिसमें एक बच्चा खत्म हो गया। बारिश और आंधी की शक्ल में आई आपदा में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। करीब 65 किलोमीटर की रफ्तार से बहती हवा में आपदा से निपटने की तैयारी भी उड़ गई। तकनीकी के जमाने में कोई ऐसी तरकीब नहीं दिखी जो लोगों की जान बचा सके, जबकि दावा यह है कि ऐसी घटनाओं के विषय में मौसम विभाग पहले से ही जानकारी दे सकता है। पर जानकारी किस तरह से लोगों को दी गई, सुनिए।
हाँ नॉर्मली क्या है जो शाम की फोरकास्ट है उसमें उस एरिया में वो फोरकास्ट तो किया था कि रेन और थंडर शावर्स हो सकती हैं, लेकिन स्टेशन स्पेसिफिक ऐसा कोई अलर्ट नहीं था। और रडार के माध्यम से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं और बताते हैं हर एक उसमें 3 आवरली मतलब हम लोग देते हैं इन्फॉर्मेशन कि इस एरिया में जो क्लाउड है इस तरह का क्लाउड डेवलपमेंट होने की संभावना है जिससे कि थंडर एक्टिविटी डेवलप हो सकती है या बहुत तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो वो अपडेट हम लोगों ने किया है 7 बजे, उसके बाद बीच में भी एक अपडेट किया है 8-8:30 बजे करीब, लेकिन उस बीच में सिस्टम जितना इंटेंस हो चुका था वो बीच की वार्निंग नहीं दी गई। सुना आपने, मौसम विभाग लोगों और सरकार को बताने की जगह वेबसाइट पर लिखकर निश्चिंत हो गया और 4 घंटे पहले मिली जानकारी के बावजूद सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। प्रोएक्टिव होने का दावा करने वाली सरकार अब मुआवजे में मामले का निपटारा ढूंढ रही है। मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता दी जा रही है और भी बाकी इसके लिए जो भी राहत का कार्य है वो चलाया जाएगा और जो भी क्षति हुई है उसका पूरा आकलन करने का निर्देश दिया गया। दरअसल लोगों की जान को लेकर संवेदनशीलता कितनी है इसका अंदाजा विपक्ष के बयान से भी हो जाता है। सुशील मोदी से सवाल पूछा गया तो जवाब सुनिए। खबरें आ रही नहीं, ये बड़ा दुखद है और विशेष करके जो पूर्णिया का इलाका पूरी बिहार का इलाका है, इसके पहले जब भी चक्रवात आया है या फेलिन आया तो वही इलाका सबसे ज़्यादा और प्रभावित होता रहा है। तो बड़ी दुखद है घटना है कि जो लोग मारे गए हैं, बड़ी संख्या में लोगों के मरने का समाचार है और काफ़ी बड़ी मात्रा में क्षतिपूर्ति हुई है। राज्य सरकार ने भी अनुदान की घोषणा की है तो राज्य सरकार को जल्द से जल्द जो है और जो कदम उठाना वो उठाना चाहिए। हम लोग भी कल परसों में उन इलाकों का दौरा करेंगे और प्रभावित परिवारों को सरकार को अविलंब जो है और राहत पहुंचाने का काम करना। लोगों की जान जा चुकी है, तूफान के बाद खामोशी है। सवाल ये है क्या कोई इस खामोशी के शोर को सुन पा रहा है। पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ये जो तबाही आई इसके बाद एक सवाल सबके जहन में है, क्या लोगों की जान बचाने का कोई तरीका हमारे पास है और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे हमारी तैयारी दुरुस्त होती। एक बात जो हम और आप सभी जानते हैं वो ये है कि ये पहला मामला नहीं है, देश में पहले भी ऐसा हो चुका है। इस मौसम में आंधी आती है और उसके साथ बारिश भी, उसे काल वैसाखी कहते हैं। तो काल वैसाखी से दूसरे राज्य 2-4 हो चुके हैं और वहाँ की सरकारों ने बताया भी कि एक राज्य की सरकार इस स्थिति में क्या कर सकती है। आपदा की तैयारी या बचाव को हम जान माल से तौल कर देखते हैं, जैसे जितने ज़्यादा लोगों की जान जाती है आपदा उतनी बड़ी मान ली जाती है। आज की तारीख में यदि जापान की अगर हम बात करें, जापान में कोई आपदा आती है तो वहाँ कोई नहीं मरता, किसी की जान नहीं जाती है। इसलिए नहीं मरता क्योंकि वहाँ सारी आपदाओं को ध्यान में रखकर व्यवस्था पहले से तैयार है। वहाँ की इमारतें, लोगों के रिहायशी मकान, रेल लाइन, यानी सब के सब आपदाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए। लेकिन हमारे यहाँ इसको लेकर कोई नीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही कोई तैयारी है। नतीजे आपके सामने है, लोगों की जान जा रही है। तैयारी नहीं होने का रिजल्ट क्या है? बिहार में हर साल बाढ़ 15 लाख हेक्टेयर जमीन और 1,000 से अधिक लोगों की जान ली जाता है। पिछले 270 साल की बात करें तो भारत में आंधी तूफान में लगभग 6 लाख लोगों की मौत हो गई। 6 लाख यानी हर साल भारत में आंधी तूफान से लगभग 2,233 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। पूरे भारत की बात करें तो भारत का 59% हिस्सा भूकंप प्रभावित है। पिछले 18 सालों में भारत में भूकंप से 24,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे। यानी लोग मोटे मोटे तौर पर प्रकृति के सामने बेबस हो जाते हैं और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि फिर मौसम विभाग का क्या मतलब है, आपदा प्रबंधन विभाग का फिर मतलब क्या है? अगर लोग अपने हिसाब से भगवान भरोसे ही रहेंगे तो ऐसे डिपार्टमेंट्स किस लिए? साल दर साल इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लेकिन आपदा प्रबंधन को लेकर हमारे देश में खास नीति अब तक नहीं बन पाई। अब देखिए, विज्ञान भी कहता है कि भूकंप को छोड़कर किसी भी आपदा का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी पहले से बता सकते हैं कि ये घटना कब हो सकती है, इसके चांसेस होते हैं। भूकंप का कोई पूर्वानुमान नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन बारिश और आंधी तूफान का अनुमान लगाया जा सकता है। तो सवाल है कि क्यों नहीं ऐसा हुआ या वक्त रहते क्यों नहीं हुआ? आंधी तूफान के मामले में हमें लगभग 70 से 80 घंटे का समय मिल जाता है पूर्वानुमान को देखते हुए। बिहार में 4 घंटे पहले जानकारी मिली, गुनहगार कौन?
ये समय अहम होता है क्योंकि मौसम विभाग से मिले इनपुट के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार कदम उठा सकती है। 80 घंटे पहले अगर सूचना मिले तो कदम उठाया जाए, लेकिन 80 घंटे पहले सूचना सरकार को क्यों नहीं मिली? अभी हाल में आए चक्रवाती तूफान फेलिन और हुदहुद के समय आंध्र और उड़ीसा सरकार ने जो कदम उठाए उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोगों की जान बचाई गई, यानी वहां पर वो विभाग एक्टिव नजर आए। हमारे यहाँ क्या हुआ बिहार में, नतीजा आपके सामने है। 2014 में हुदहुद नाम के तूफान ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 6 लोगों की जान ली थी। वर्ष 2013 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में फेली नामक तूफान आया जिससे 17 लोग मारे गए थे। तब भी जान माल का नुकसान पहले के अंदेशों के मुकाबले बेहद कम हुआ था। उस समय भी तूफान की चेतावनी काफी पहले जारी कर दी गई थी और उससे निपटने के लिए तैयारी का पर्याप्त समय भी मिला। 2014 में मौसम विभाग ने 5 दिन पहले चक्रवाती तूफान हुदहुद के आने की चेतावनी दे दी थी। विभाग ने बीच बीच में जो सूचनाएं जारी की वो सटीक निकली जिससे गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रही और काफी लोगों को बचाने में कामयाबी भी पाई गई। ये मौसम विभाग की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब ये भी देखिए कि 1999 में उड़ीसा में चक्रवाती तूफान आया था, वो तूफान फेलिन और हुदहुद जैसा ही था, लेकिन मौसम का पूर्वानुमान नहीं मिल पाने के कारण एहतियाती कदम नहीं उठाए गए जिस कारण लगभग 10,000 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब बिहार की बात कीजिए आप, बिहार में आपदा प्रबंधन को लेकर सिस्टम किस कदर फेल है ये हुदहुद और फेलिन से हुए मौत के आंकड़े बताते हैं। हुदहुद से बिहार में 2 लोग और फेलिन से 11 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में मौत का ये आंकड़ा आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की कलई खोलने के लिए काफी है क्योंकि हुदहुद और फेलिन का केंद्र आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में था जहां 170 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। 3 से 4 दिनों तक लगातार वहां बारिश भी हुई थी। वहीं बिहार में तूफान कमजोर पड़ने पर पहुंचा लेकिन उसके बावजूद भी असर उस समय क्या हुआ, हुदहुद से 2 लोगों की जान गई, फेलिन से 11 लोगों मारे गए। तो सवाल है कि फिर विभाग करता क्या है आपदाओं को रोकने, इनसे होने वाली तबाही को कम करने और आपदा की स्थिति में बचाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्था हो, इसको लेकर देश भर में एक नीति है। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2005 में देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ जिसके बाद बिहार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्टेट डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स यानी SDRF का गठन किया गया। यही नहीं, बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग के पास आपदा रोकने और क्षति को कम करने के लिए 11 योजनाएं चल रही हैं जिसका सालाना बजट 50 करोड़ है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन क्या लोगों की जान बच पाई? इसके अलावा देखिए जिलों में आपदा प्रबंधन को लेकर कमेटियां भी हैं लेकिन इसके बाद भी बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहा। 1-2 मौकों को छोड़ दें तो हमेशा आपदा प्रबंधन विभाग के काम पर सवाल उठते रहे हैं। बिहार में जिस तरह से बाढ़, भूकंप, बारिश, तूफान से आए दिन तबाही होती है उसको देखते हुए जरूरी है कि इस विभाग को और प्रभावी बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की आपदा आती है तो जान माल की क्षति को कम किया जा सके, क्योंकि बिहार का इतिहास बताता है कि यहाँ ना सरकार ने ना आम आदमी ने आपदाओं से कुछ सीखा और जब तक रवैया में सुधार नहीं आता तब तक हमें कुदरती ताकतों से ही करिश्मे की उम्मीद करनी होगी। सिस्टम से उम्मीद बेमानी है। एक बहुत ही छोटा सा विराम, उसके बाद बात करेंगे सिस्टम से एक व्यक्ति कैसे हार गया। छोटे से ब्रेक के बाद और DNA में बात एक ऐसी खबर की जो सरकार और सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी। अपने बच्चों को आप अच्छी और ऊंची शिक्षा देना चाहते होंगे पर उस पिता के बारे में कौन सोचेगा जिसके दिल में बच्चे को बड़े स्कूल में एडमिशन कराने की ख्वाहिश तो है पर जेब में सिक्कों की खनक नहीं है। रांची से एक खबर आई कि एक पिता सिस्टम से हार गया। एक रिपोर्ट देखिए। फी का फियर, जान लेता है फी। जी हाँ, यह हकीकत है झारखंड की राजधानी रांची की, जहाँ एक पिता ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि वो अपने बेटे का एडमिशन ज़्यादा फीस के कारण एक प्राइवेट स्कूल में नहीं करा पाया। एकलौता काम करने वाला थे, हम तो हाउस वाइफ हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता था पैसा की, तो बच्चा का एडमिशन के बारे में हम लोग बात की, वहाँ पिछले साल इतना लिया तो पता नहीं अभी इतना लेगा फिर कैसे मैनेज करेंगे बोल के, तो बोलने लगा पता नहीं हम कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, इस तरह का सोचने लगे और अंदर से टूटने लगे। सुमित टूटी की इच्छा थी कि वो अपने घर के पास एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े। उसकी इस इच्छा को उसके पिता राजन टूटी ने पूरा करने की कोशिश की
होनहार सुमित स्कूल के एडमिशन टेस्ट में सफल हो गया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इस परिवार की खुशियां उस समय काफूर हो गई जब पता चला कि उसकी हैसियत ऐसी नहीं कि वो अपने बेटे को वहां पढ़वा सके। इंडिकेट किया था मेरा दोनों बेटा को कि साले तुम पढ़ा देना, और साली को एक एक बच्चे को जिम्मेवारी देते हुए लिखा कि हमको माफ कर देना। उनकी पत्नी जो है ये सुषमा टोप्पो, वो बोली है कि वो कुछ दिनों से मानसिक रूप से थोड़ा सा दबाव में थे, बच्चों का चूँकि अच्छा स्कूल में पढ़ा रही हैं वो लोग कैराली में, तो हुआ कि छोटा बेटा तो अभी प्रेप नहीं है, बड़ा बेटा अब जेवियर्स कॉलेज दोना में था, इन मैट्रिक किया है, उसका इंटर में यहाँ वो सेलेक्ट भी हो चुका है बेसिकली, तो फी वगैरह को लेकर वो टेंशन में था। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार भरोसा दिला रही है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन इस बीच स्कूल में बेटे का एडमिशन नहीं करा पाने के कारण एक पिता की मौत सरकार के गाल पर तमाचा है, जो तमाम दावों के बावजूद गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा पाने में नाकाम साबित होती दिख रही है। सनी शारक, जी मीडिया, रांची। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए देश में अब तक कोई कड़ा कानून नहीं है, जिसका फायदा उठाकर प्राइवेट स्कूल हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में फिलहाल 3 राज्यों तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्राइवेट स्कूलों में फी पर नियंत्रण करने के लिए एक बॉडी है। वर्ष 2009 में तमिलनाडु सरकार ने पहल करते हुए स्कूलों में फी नियंत्रण के लिए कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून की तारीफ की। इस कानून के तहत हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी स्कूलों की फी तय करती है। तमिलनाडु के इस मॉडल के आने के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी इसे अपनाया, लेकिन झारखंड में अभी तक निजी स्कूलों पर रोक लगाने के लिए कोई कठोर कानून नहीं है। यही वजह है कि मार्च से लेकर अप्रैल तक झारखंड में जनता निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरती दिखती है। फिर बढ़ोतरी का मामला सड़क से लेकर सदन तक गूंजता है, लेकिन सियासत के सिवा कुछ होता नहीं है। गार्जियन नीति समझकर आर्थिक बोझ उठाते हैं, हालांकि इस बार देखिए एक पिता ने खुदकुशी कर ली। यह भी सच है कि 14.5 साल में झारखंड में पहली बार ऐसा दिख रहा है जब निजी स्कूलों में फी बढ़ोतरी के मामले को लेकर सरकार सीरियस दिख रही है। इसको लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया, जिसके बाद हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन गठित करना अनिवार्य होगा, जो स्कूलों की फी संरचना तय करेंगे, फी स्ट्रक्चर तय करेंगे। विवाद होने पर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट की रेगुलेटरी कमेटी में अपील करेगा। कमेटी में CBSE, ICSE और राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्य सदस्य होंगे और जिला अधीक्षक इसके अध्यक्ष होंगे। अब सरकार की पूरी गंभीरता, यानी झारखंड सरकार जो अपनी तरफ से गंभीरता दिखा रही है इस पूरे मसले पर, इस पूरी गंभीरता का सच इसी से पता चलेगा कि कितनी जल्दी ये कमेटी बनती है और खासतौर से शिक्षा माफिया पर क्या सरकार लगाम लगा पाती है। आखिर स्कूलों का काम एक पिता को गर्व करने का अवसर देना होता है, आत्महत्या करने के लिए विवश करना नहीं। आज टीने में इतना ही, देखते रहिए जी पुरवैया।